रिपब्लिक भारत की टीम लद्दाख में मौजूद है और यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर फॉर्मर आईपीएस किरण बेदी जी यहाँ पर पहुंची और इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम आप यहाँ पर अभी हमने देखा योग कर रही थी, एकदम एक एक योग की जो पूरी प्रक्रिया है आपने उसको अच्छे से फॉलो किया, कितने वक्त से आप करते आ रहे हैं? ये मेरे जीवन का हिस्सा ही रहा है। पहले फिटनेस के लिए करती थी, स्पोर्ट्स के लिए, उसके बाद अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए, मानसिक शांति के लिए भी रेगुलर हूँ। आज मैम पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, उन्होंने हमारे भारतवर्ष को विश्व में नंबर वन कर दिया, इनफैक्ट हमारी संस्कृति को उजागर कर दिया। मैं समझती हूँ उस जो इस जिस चीज़ की इंतज़ार थी आज वो भारतवर्ष को बिल्कुल उजागर कर गया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहली बार ऐसा होगा जब इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में मौजूद नहीं होंगे बल्कि न्यूयॉर्क में होंगे और वहाँ से इस दिन को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत उन्होंने, हम जितना उनका धन्यवाद करें उतना ही कम है, हर भारतीय को आज उन्होंने विश्व में नंबर वन कर दिया, मतलब किसी को कॉम्पिटिटिवली नहीं, लेकिन ऐसी विद्या उन्होंने सारे विश्व को दे दी है जो तंदुरुस्ती बढ़ाएगा, मानसिक तंदुरुस्ती और शारीरिक दुरुस्ती बताएगा। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, उन्होंने इज टेकन इंडिया राइट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारी जगह भारतवर्ष की पुरानी थी स्थिति उस स्थिति पे वापस ले आए। मैम जब किरण बेदी का जिक्र होता है तो याद किया जाता है कि आपका जो ऐतिहासिक पूरा कार्यकाल रहा है हर क्षेत्र में बहुत ही दमदार रहा है, आज के युवाओं को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे जो कि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि योग कितना जरूरी है? मैं ये कहूंगी कि ये योग स्कूल से शुरू, प्रार्थना असेंबली से पहले योग शुरू होना चाहिए। अगर शुरू में स्कूलों में ही बच्चों में ये योग आ जाए बिफोर द स्कूल असेंबली, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा उनकी मानसिकता में और उनकी शारीरिक, उनकी जनरल हेल्थ के लिए एंड नेशनल हेल्थ के लिए। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान था लेकिन किसी को ठंड नहीं लग रही है यहाँ पर। हाँ बहुत सुंदर है, ऐसा ब्लू स्काई कहाँ मिलता है। हम सब मिलके अपने गुरु जी का आदर करते हैं और खुद मिलके गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सब कुछ हमेशा संभव किया। याद है पिछले साल भी थे, हम उनके लिए धन्यवाद की थाली बजाएं, सब जने मिलके धन्यवाद की थाली बजाएं, सब जने जोर से दिल से थाली बजाएं, उन्होंने ये हर साल संभव करते आए हैं। पिछले साल भी मुझे याद है ऐसा ही हुआ था, हम सब के बहुत बहुत आभारी हैं, उनका जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। हमें आज योग की इतनी अच्छी शिक्षा मिली, इसका हम अपने टीचर्स का धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से ही हमें इतनी अच्छी योग शिक्षा मिली। साथियों मैं यही कहूंगी और सबसे ज्यादा हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपको नंबर वन योगा में नंबर वन वर्ल्ड का एक मार्गदर्शक बना दिया। आपको मालूम है, आपको बताया गया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, आज यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी योगा का एक पूरा 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 प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, सारे यूनाइटेड नेशंस में उसमें हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज सारी शामिल हो रही हैं योग अभ्यास में। इससे ज्यादा और प्राइड का मोमेंट क्या होगा, इससे ज्यादा गर्व का मोमेंट क्या होगा। हम सब उनके लिए भी खूब जोर से हाथ से मिला के हाथ से धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको लंबी उम्र दे, खूब तंदुरुस्ती दे, ताकि वो हमारा ऐसे मार्गदर्शन, विश्व का मार्गदर्शन करते जाए। आप उनको आज उनको विश्व गुरु, विश्व लीडर समझा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पतंजलि से लेके योगा को आज 2023 में बिल्कुल भी वर्ल्ड में उसको आज प्रदर्शित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मैं यही एक ही बात कहूंगी कि धन्यवाद करते हुए कि अगर हमारे स्कूलों में, जिस स्कूल में है, अगर हर स्कूल में स्कूल की असेंबली और प्रार्थना के बाद तुरंत असेंबली से पहले और प्रार्थना के बाद, क्योंकि स्कूल की प्रार्थना भी होती है उसमें, अगर हम कुछ योग अभ्यास डाल दें तो हम लोग सारी उम्र बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, यंग रहेंगे और मेडिसिन से दूर रहेंगे और खुश भी रहेंगे और अच्छे अच्छे सोच में भी लाएंगे। अगर हम ये आदत डालें, मान लीजिए किसी कारण स्कूल में नहीं होता है, तो हम लोग अपनी ये एक अपनी दिनचर्या में, अपनी डे प्रोग्राम में ला सकते हैं। हाँ ये अपनी हैबिट, तो आज हमने बहुत सारे आसन सीखे, ये आसन हर
पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए था। हम लोग सब आसन करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन आज मैंने पहली बार इतने सारे आसन किए, क्योंकि मैं रोज योगा भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने महसूस किया कौन से आसन मैं नहीं करते थे जिनकी वजह से मेरी अभी भी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी। सो साथ बच्चों मैं यही कहूंगी और साथियों कि अगर जो हमने आज सीखा है ये मैसेज लेके जाए स्कूल की असेंबली से पहले, अगर स्कूल में दे होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम अपनी अपने टाइम टेबल में अपने डे प्रोग्राम में अगर हम ऐड कर लें तो हम लोग सारा दिन अलर्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। गुरु जी का धन्यवाद। ये गिफ्ट किया, धन्यवाद, जय हिंद।